नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूं, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अभी 22.05 रुपए पर चल रहा है, 2.08% की बढ़त के साथ चल रहा है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो यह टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, 35 साल पहले। इसके जो फाउंडर हैं वे सुरेंद्र जीवराजका जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 20,000 से भी ज्यादा इसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वे हैं होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यार्न्स। और भी दोस्तों ये प्रोडक्ट बनाती है, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड कंपनी है। और दोस्तों ये अपना जो 100% प्रोडक्ट बनाती है उसमें से 26% जो प्रोडक्ट है वो 90 से भी ज्यादा देशों में दोस्तों एक्सपोर्ट करती है। वे कौन कौन से देश है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यूएस हो गया यानी कि अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे दोस्तों ये अपना 26% जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करता है आलोक इंडस्ट्रीज। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आलोक इंडस्ट्रीज कुछ समय पहले यानी कि दिवालिया घोषित हो चुका है और इसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था। और दोस्तों उस बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में भाग लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 40.01% की शेयर होल्डिंग, वही जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की 34.99% की शेयर होल्डिंग है, यानी कि दोनों मिलकर इसमें 75% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। केवल 25% जो शेयर है वही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही एक इकाई है। अब आलोक इंडस्ट्रीज की जो कमान है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में मुकेश अंबानी जी के हाथों में है। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी के हाथों में। अब जो भी फैसले लेंगे वे रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि मुकेश अंबानी जी लेंगे। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा वे सारे फैसले रिलायंस इंडस्ट्रीज ही अब लेगी। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में आलोक इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों कोई बहुत बड़ी दिग्गज विदेशी कंपनी भी इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो आने वाला समय दोस्तों इसका काफी अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों बजट में भी अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए। उन्होंने बोला है कि टेक्सटाइल्स कंपनी अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएं और 7 मेगा टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे जिससे उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज अब अपना उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचाए जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि भारत सरकार का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, तो आलोक इंडस्ट्री दोस्तों उसी राय पर काम कर रही है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएगी और दुनिया के कोने कोने में इसके प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। और दोस्तों अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आया था जो कि काफी अच्छा आया है। आने वाले समय में जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो भी काफी अच्छा ही रहने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पोजिशन बना सकते हैं। और दोस्तों अभी ये 26% जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता है 90 से ज्यादा देशों में। आने वाले समय में दोस्तों ये 40 से 50% तक एक्सपोर्ट कर सकता है और दुनिया के कोने कोने में इसके प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2008 में इसने हाई लगाया था 96.90 रुपए का। दोस्तों उस लेवल को ये दोबारा से बहुत जल्द टच करने की कोशिश करेगा। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजिशन बना सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आप लोग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और उसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों आप इसको अगले 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 2 साल में यह स्टॉक 96 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है क्योंकि दोस्तों अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको टेक ओवर कर लिया है। तो इसका फ्यूचर और भविष्य काफी अच्छा है और यहाँ से इसका प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।